सो हे गाइस एंड वेलकम टू 100 डेज इन पोकेमॉन हार्ट गोल्ड। बेसिकली आज मैं खेलूंगा पोकेमॉन हार्ट गोल्ड 100 डेज के लिए। सो मैंने उन सभी गोल्स की एक लिस्ट बनाई है जिसे मैं इन 100 डेज में खेलते हुए पूरा करने वाला हूँ। नंबर 1, मुझे माउंट सिल्वर के टॉप पे रेड को हराना होगा। मुझे सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना होगा जो हार्ट गोल्ड में है। मुझे सभी 16 जिम बैजेस लेने होंगे एंड मुझे चैंपियन को भी 2 बार हराना होगा और इसके साथ मुझे सभी मिथिकल इवेंट को भी कंप्लीट करना होगा। सो कमेंट करके बताना क्या तुमने कभी ये सब किया है। गेम में मजा तो तब आता है जब सेलेबी टाइम ट्रैवल करके मुझे पास्ट में ले जाता है। वहीं आरकेएस कुछ ऐसा करता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। आगे मेरे साथ क्या हुआ जानने के लिए फुल वीडियो देखे। सो यहाँ पर मैंने अपने कैरेक्टर बॉय को चूज किया, फिर मैंने अपना नाम दिया और उसके बाद यहाँ पर कोई अजुरिल पोकेमोन आता है एंड ऑफ कोर्स ये लारा का ही था। फिर मैं गया प्रोफेसर की लैब के अंदर जहाँ पर मैंने चूज किया सेंडर कोइल को और इसको निकनेम दिया माइक। उसके बाद मैं गया इस घर के अंदर जहाँ पर इस बूढ़े आदमी ने मुझे मिस्ट्री एग दिया। साथ में यहाँ पर प्रोफेसर ओक भी थे जिन्होंने मुझे पोके डेक्स दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरी राइवल के साथ फर्स्ट बैटल स्टार्ट हो गई एंड ऑफ कोर्स ये इजी था तो मैंने इसको जीत लिया। जैसे ही मैं लैब के अंदर गया मैंने देखा पुलिस को जो कि किसी पोकेमोन चोर की तलाश में है। तो इन्होंने मुझे उसका नाम पूछा है तो मैं उसका नाम जानता था तो मैंने उनको बता दिया उसका नाम क्या है। उसका नाम है सिल्वर। उसके बाद यहाँ पर लैरा मुझे मिली जिसने मुझे पोकेमोन कैच करना सिखाया और उसके बाद मुझे दिया पोके बॉल। उसके बाद यहाँ पर मैं मिला यंगस्टर जोई से और हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। भाई इसको काफी इजी मैंने हराया। फिर मैं गया स्प्राउट टावर में जहाँ पर मेरा सेंडर को इवॉल्व हो गया एंड ये बन गया कोई लावा। उसके बाद मैंने देखा अपने राइवल को जो कि चल गया। फिर मेरी फाइट स्टार्ट हो गई एल्डर ली के साथ और यहाँ पर मेरे पास एडवांटेज है तो मैंने काफी इजीली इसको जीत लिया और यहाँ पर मुझे मिला TM70 फ्लैश। फिर मैंने यहाँ पर एक मरीब को कैच किया और इसको निकनेम दिया लीजा जो कि इस पे सूट कर रहा है। मरीब को कैच करने के बाद मैं गया अपने फर्स्ट जिम बैच के लिए और यहाँ का जिम लीडर है फॉकनर तो हमारी फाइट स्टार्ट हो गई एंड यहाँ पर भी मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि उसके पास फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और मेरे पास फायर तो मैंने काफी इजीली इसके दोनों पोकेमोन को हरा दिया और मुझे मिल गया मेरा फर्स्ट जिम बैच। मार्ट में इस आदमी से मुझे मिला एक एग। उसके बाद मैं गया स्लोपोक वेल में जहाँ पर मेरी फाइट स्टार्ट हो गई प्रोटोन के साथ और ये टीम रॉकेट से है। इसको हराने के बाद ही यहाँ से चल गया और उसके बाद अंकल के साथ मैं वापस से चल गया अपने घर पे और उसके बाद मेरा पोकेमोन इवॉल्व हो गया एंड ये बन गए फ्लैफी। इसके बाद मैं गया अपने सेकेंड जिम बैच के लिए जहाँ की लीडर है बक्सी एंड हाँ यहाँ पर भी मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि मेरे पास फायर है और उसके पास बग तो मैंने काफी इजीली उसके साइथर को मारा और मेटापॉड भी गया एंड लास्ट ककूना भी हार गया और आखिर कार्ड मुझे मिल गया मेरा सेकेंड जिम बैज। तभी अचानक से मेरे रास्ते में सिल्वर आ गया और हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। इसके पास एक गैस्टली भी था साथ ही क्रोको 9 भी है लेकिन मेरे पास भी एडवांटेज था जो कि थी लीजा तो मैंने काफी इजीली इसको हराया और आखिरकार ये हार गया। देन मैं गया एलेक्स फॉरेस्ट में और यहाँ पर एक बंदा मिला और इसने मुझसे हेल्प मांगी है जो कि इसके पोकेमोन खो गए थे तो मैंने दोनों को ढूंढा और इसको दे दिया जिसके बदले मुझे मिला कट HM और उसके बाद मेरा एक हैच हो गया और इससे निकली टोगेपी तो मैंने इसको बेबी निकली नेम दिया। फिर मैंने ट्री पे हेडबट मारा जिससे मेरे सामने एक हेडक रॉस आ गया और पता नहीं क्यों बट हाँ मैं इसको कैच कर रहा हूँ बट मुझे इसको कैच करना है और इसके बाद मैंने इसको निकनेम दिया। और फिर मैं गया गोल्डन रॉड सिटी में जहाँ पर इस अंकल से मुझे मिली एक बाइसिकल। इसके बाद मैं मिला वाइटनी से जिसने मुझे अपने जिम के अंदर बुलाया है तो उसके बाद मैं इसके जिम के अंदर गया जहाँ पर हमारी फाइट भी स्टार्ट हो गई एंड हाँ सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग थी लेकिन हाँ मेरे से ज्यादा नहीं। इसका मिल्टैंक पोकेमोन सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग था लेकिन हाँ मैंने भी हार नहीं मानी एंड पूरी कोशिश करने के बाद मैं जीत गया और आखिरकार मुझे मिल गया मेरा थर्ड जिम बैज। फिर मैं गया बॉन्ड टावर में जहाँ पर लेजेंडरी बीस्ट भी है और इसके साथ मैं मिला अपने राइवल से और हमेशा की तरह हमारी फाइट भी स्टार्ट हो गई। मैंने सबसे पहले इसके गैस्टली को मारा फिर उसके बाद आया क्रोको 9 ये भी गया और जुबैट भी गया साथ ही में मैग्नेमाइट भी था तो मैंने इसको भी हरा दिया और आखिरकार मैं जीत गया। अचानक से लेजेंडरी बीस्ट मुझे देख के भाग गए और इस आदमी ने मुझे बताया ये 10 साल से सुकून का पीछा कर रहा है। फिर अचानक से मेरे जंगल में यहाँ पर एंटे आ गया लेकिन हाँ मैं इसको कैच नहीं कर सकता। वेल मैं एंटे को तो कैच नहीं कर सकता क्योंकि वो भाग जा रहा है इसलिए मैं गया अपने फोर्थ जिम बैच के लिए और यहाँ का जिम लीडर है मोटी तो हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। इसके पास घोस्ट टाइप पोकेमोन है ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पहले तो ऐसा मुझे लगा कि मैं नहीं हरा पाऊंगा इसको लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान होने लगी और आखिरकार मैंने इसको हरा दिया और इसके साथ मुझे मिला मेरा फोर्थ जिम बैच। फिर मैं मिला बाओबा से और इसके बाद एक फोटोग्राफर से मैंने अपने पोकेमोन के साथ अपनी एक फोटो
फोटो खिंचवाई जो कि काफी बढ़िया है। उसके बाद ओलिवाइन सिटी में मैं मिला अपने राइवल से। उसके बाद मैं ओलिवाइन सिटी की जिम लीडर को ढूंढने के लिए आता हूँ लाइट हाउस के अंदर, एंड यहाँ का व्यू भी काफी बढ़िया था। फिर आखिरकार मैं मिलता हूँ जैस्मिन से, एंड ये बोलती है कि एम्फ्रोस काफी ज्यादा बीमार है जिसके लिए मुझे सियानवुड टाउन से लाना पड़ेगा सीक्रेट पोशन को। फिर मैंने देखा टीम रॉकेट के ग्रंट को जो कि किमोनो गर्ल को परेशान कर रहा था। फिर हमारी फाइट स्टार्ट हो गई और उसके बाद इस अंकल ने मुझे दिया HM3 जो कि है सर्फ। फिर मुझे फिशिंग मैन से मिला यहाँ पे गुड रॉड। फिर मैंने फिशिंग करना भी शुरू किया और आखिरकार सालों के बाद एक मछली जाल में फंसी, एंड ये था क्रैबी। मैंने इसको कैच करने की कोशिश की, एंड गेस व्हाट, आखिरकार मैंने इसको कैच कर लिया और इसको काफी बढ़िया निकनेम दिया। उसके बाद लीजा इवॉल्व हुई और ये बन गई एम्फ्रोस। फिर मैं चक के जिम में गया जहाँ पर इसका पानी का झरना बंद किया और उसके बाद हमारी फाइट भी स्टार्ट हो गई। इसके साथ इसके पास प्राइमेप है तो मैंने काफी इजीली इसके प्राइमेप को फ्लेम व्हील से हराया। फिर आया पॉलीरैथ, मैंने थंडर पंच यूज किया और ये हार गया और मुझे मिल गया मेरा 5th जिम बैज। फिर इस आंटी ने मुझे दिया HM2 यानी कि फ्लाई और इस बंदे ने सीक्रेट पोशन। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं मिलता हूँ एक माउंट हाइकर अंकल से जो कि मेरा ही इंतजार कर रहा था और इसने मुझे दिया HM4। उसके बाद मैं मिला शाइनी गैराडोस से जो कि यहाँ पर लेक ऑफ रेज में है और मैंने इसको कैच भी कर लिया। फिर मैं मिला लैन से जो कि मुझसे हेल्प मांगता है और महोगनी टाउन में बुलाता है। मैं जैसे ही वहाँ गया मैं पहुँचा टीम रॉकेट HQ में यानी हाइड आउट में और यहाँ पर एक ग्रंट अलर्ट होके आ भी गया फाइट करने, एंड हाँ भाई मैंने इस बंदे का मुंह तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर अचानक से कोई लावा इवॉल्व हो गया एंड माइक बन गया टाइफ्लोजन। उसके बाद यहाँ पर सिलोर आया जो कि जस्ट लैंड से हार के आया है। फिर मैं मिला जीवानी से, लेकिन जीवानी के कपड़े में पेट्रोल था जो कि टीम रॉकेट का ही एक एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद मैंने इस बंदे को बहुत अच्छे से धूल चटाई और उसके बाद यहाँ पर आर्याना आ गई और लैंस भी आ गया और उसके बाद हमारी डुओ फाइट स्टार्ट हो गई जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थी एंड हाँ काफी ज्यादा मजेदार भी क्योंकि भाई चैंपियन लैंस भी है। फिर लैंस ने बोला कि हमारा काम खत्म हो गया है और इसने मुझे दिया HM5। फिर मैं गया नेक्स्ट जिम में और यहाँ पर भी मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि उसके पास आइस टाइप है तो मैंने पूरा फायदा उठाया और थंडर पंच से ये भी गया और उसके बाद आखिरकार मुझे मिल गया मेरा जिम बैज। इसके बाद यार मैं आगे बढ़ा और मैंने सीक्रेट पोशन एम्फ्रोस को दिया। देन मैं गया जैस्मिन के जिम के अंदर और उसके बाद हमारी 7th जिम फाइट स्टार्ट हो गई और हाँ यहाँ पर भी मेरे पास एडवांटेज है। स्टीलिक्स गया एंड उसके बाद आता है मैग्नेमाइट एंड लावा प्लम एंड ये गया और मुझे मिल गया मेरा जिम बैज। उसके बाद यहाँ पर मैं मिला इस डायरेक्टर से, लेकिन ये एक्चुअली में पेट्रोल है जो कि फिर से फालतू की नौटंकी कर रहा है तो मैंने इस बंदे को फिर से धोया। और उसके बाद मैं मिला सिल्वर से जो कि वापस से मेरे से फाइट करता है एंड हाँ मैंने काफी बढ़िया से इसको वापस से हराया। और आखिरकार यार इसको हराने के बाद मुझे मिला कार्ड की और कार्ड के लेने के बाद यार मैं मिला आर्चर से जो कि टीम रॉकेट का आखिरी एग्जीक्यूटिव है जिसको मुझे हराना था तो मैंने इसको हराया। और उसके बाद आखिरकार रियल डायरेक्टर आया और इसने मुझे दिया रेनबो विंग। एंड फाइनली मैं जाता हूँ अपने आखिरी जिम बैच के लिए जो कि मुझे मिलेगा क्लियर से, एंड ये एक ड्रैगन टाइप जिम लीडर है जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट जिम है। मैं इसे बहुत ही ज्यादा बार हारा, मैं हारता ही गया, लेकिन आखिर में जाकर मुझे पता चला कि मैं लीजा से इसको जीत सकता हूँ तो मैंने कोशिश की एंड नॉन स्टॉप डिस्चार्ज मूव का यूज किया एंड फाइनली मैंने इसको हरा दिया। उसके बाद इसने बोला कि अगर मुझे जिम बैच चाहिए तो मुझे ड्रैगन डेन में जाना होगा और एक आदमी के क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो बेसिकली इस बूढ़े आदमी ने मुझसे कुछ पोकेमोन के क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने सही सही जवाब दिया और आखिरकार क्लियर आती है एंड यार इसको ना चाहते हुए भी मुझे जिम बैच देना पड़ा। फिर यहाँ पर मैं मिला प्रोफेसर एम से जो कि मेरे पूरे 8 जिम बैच कलेक्ट करने पे मुझे एक मास्टर बॉल देते हैं। फिर मैं गया किमोनो गर्ल से बैटल करने जहाँ पे काफी सारे इवोल्यूशन आए जो कि थे अम्ब्रियन, एस्पियन, फ्लैडियन, जोल्टियन एंड वेपोरियन। अचानक से एक लड़की आती है जो कि बोलती है इसने किसी बड़े पोकेमोन की शैडो को देखा है। तब हम आते हैं बेल टावर में जहाँ पे किमोनो गर्ल्स डांस करती है और अचानक से कुछ चमकता है और आसमान से आता है उड़ता हुआ हो ओ और अचानक से यार ये मुझसे फाइट करने को तैयार हो जाता है। हमारी फाइट भी स्टार्ट होती है एंड मैंने मास्टर बॉल से इसको कैच किया। उसके बाद यहाँ का वेदर काफी मस्त था। वेल अब टाइम आ चुका है पोकेमोन चैंपियन बनने का तो मैं अपनी जर्नी पे आगे निकलता हूँ और विक्ट्री रोड में मैं मिलता हूँ सिल्वर से जहाँ पर हमारी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। वेल ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा था तो मुझे इसे फाइट करनी पड़ी, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है जब हम आपस में फाइट कर रहे हैं। वेल आप में से जिसको नहीं पता सिल्वर यहाँ पर जीवानी का बेटा है यानी कि इसके बाद भी काफी सारे एडवेंचर्स होंगे जहाँ पर हम फाइट करेंगे। फिलहाल तो ये हार गया। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ इंडिगो प्लेटो में। मेरे पास कुछ रेयर कैंडी थे जो कि मैंने अपने पोकेमॉन्स को दे दिए एंड नेक्स्ट डे मैं रेडी हूँ ट्रेनिंग करने के बाद और फाइनली ये समय पोकेमॉन लीग में जाने का। मैंने सबसे पहले चैलेंज किया एलीट 4 मेंबर वेल को।
वेल, इससे बैटल करना मेरे लिए ना बैटल करने के बराबर ही था। ऐसा क्यों? आई मीन यार देखो, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरा सिर्फ एक लीजा ही इसके पूरे पोकेमॉन टीम को संभाल लिया, और इसी के साथ इसका लास्ट पोकेमॉन जाटू था और ये भी हार गया। और इसी के साथ मैं जाता हूँ कोगा को चैलेंज करने, जो कि सेकंड एलीट फोर मेंबर है। एंड सेम यहाँ पर भी कोगा से भी बैटल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी लीजा अकेले ही इसकी पूरी टीम को संभालता है। और इसी के साथ ही काफी ज्यादा अजीब बात है, वेल शायद से मैं समझा नहीं, लेकिन पहले कोगा एक जिम लीडर था तो अब ये एलीट फोर कैसे बन गया? वेल इसके बाद मैंने इसको हरा दिया और मैं पहुंचा थर्ड एलीट फोर के पास, जो कि है ब्रूनो। एंड यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ किंग कोबरा को, क्योंकि ये स्पेशली पावरफुल होगा इसके ऑनिक्स के अगेंस्ट, बिकॉज मेरे पास है वाटर टाइप मूव और इसके साथ ड्रैगन मूव भी है, जो कि इसके फाइटिंग पोकेमॉन्स के ऊपर एक बढ़िया ऑप्शन है। एंड इसी से मैंने इसके पूरे पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया और इसके बाद मैं पहुंचा एलीट फोर के पास, जो कि है कैरन। और ये लास्ट है, वेल हाँ, इन चारों में सबसे ज्यादा कोई स्ट्रांग था और कोई टक्कर का था तो वो थी कैरन। हाँ, मुझे पता नहीं है कि स्ट्रांग है भी या नहीं, लेकिन मैंने इसको भी बड़ी आसानी से हराया, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इन सबसे ज्यादा ही लेवल है। और इसके साथ यहाँ पे किंग कोबरा आया और ये सुपर इफेक्टिव मूव, एंड इसके साथ कैरन हार गई। एंड नाउ फाइनली टाइम है चैंपियन से बैटल करने का। वेल ये एक सीरियस बैटल हो सकती थी, बट स्टिल मैंने इसको फ्री माइंड खेला, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कौन से मूव यूज करने हैं, क्योंकि लैंस की टीम में मैक्सिमम ड्रैगन पोकेमॉन होते हैं, जैसे कि इसके पास दो ड्रैगन नाइट भी है। और इसी के साथ यहाँ पे ये तो गया और लास्ट आता है चार्जार्ड, जिसपे मैंने वाटरफॉल यूज किया। एंड नाउ फाइनली आई बिकेम द चैंपियन ऑफ जोटो रीजन, बट स्टिल एज वी ऑलरेडी नो, मुझे इसे रीमैच में भी हराना होगा, लेकिन अभी नहीं, कांटो के बाद। फिलहाल तो मैंने अपने पोकेमॉन्स का नेम रजिस्टर कर दिया है हॉल ऑफ फेम में, और ये पोकेमॉन्स है एम्फोरॉस, टाइफ्लोजन, हो किंग कोबरा एंड मैनी मोर पोकेमॉन्स। एंड फाइनली भाई अब स्टार्ट होगा अपना अगला एडवेंचर। एंड आफ्टर दैट मैं मिला प्रोफेसर ओक से, जो कि मेरे पोकेडेक्स को नेशनल डेक्स में अपग्रेड करता है। और इसके बाद मैं गया एसएस एक्वाशिप पे, जहां पे जाने के बाद एक आदमी आया और इसकी ग्रैंड डॉटर मिसिंग थी, तो मैंने इसको ढूंढा और इसके बदले मुझे मिला मेटल कोट। उसके बाद फाइनली मैं आ गया वर्डमिलन सिटी और मैं गया एल्टी सर्ज के जिम में। यस, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कांटो की तरह हमें यहाँ पे फर्स्ट ब्रॉक, सेकंड मिस्टी, थर्ड एल्टी सर्च, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे किसी से भी बैटल कर सकता हूँ, ऑल रूट्स ओपन है। तो यहाँ पे मैंने इसको हराया और इसी के साथ मुझे मिल गया कांटो का पहला जिम बैज। फिर मैं गया सबरीना के जिम में। हाँ, ये थोड़ा हार्ड हो सकता था बिकॉज शी हैव सम स्ट्रॉन्ग साइकिक टाइप पोकेमॉन्स, बट स्टिल मैंने ट्राई किया और लीजा के होते हुए किसी बात का डर नहीं। तो यहाँ पे आखिरकार मेरे पास हो गए पूरे 10 जिम बैज, बस 6 और चाहिए। फिर मैं गया मिस्टी के जिम में, जहाँ पर एक टीम रॉकेट का बंदा होता है और ये मुझे देख के डर गया। फिर जाके छुप गया नगेट ब्रिज पे, मैंने इसे बात की और हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। वेल फाइट में तो मैं इसे हरा दिया, लेकिन उसके बाद इसने मुझे बताया कि इसने यहाँ पर एक मशीन पार्ट चोरी किया है, जिसको इसने मिस्टी के जिम में छुपाया है। एंड उसके बाद मैं मिस्टी को ढूंढता हूँ और वो मुझे बोलती है कि मैं क्यों उसे परेशान कर रहा हूँ, और उसके बाद अपने जिम में भी बुलाती है। तो मैं उसके जिम में जाता हूँ और हमारी फाइट भी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। वेल मिस्टी को हराना और भी ज्यादा ईजी है, और इसके साथ मैंने सोचा क्यों ना हो को यूज करूँ, बिकॉज लेजेंडरी से खेलने का अलग ही मजा है। एंड ऑल्सो शैडो बॉल काफी बढ़िया ऑप्शन है वाटर पोकेमॉन के लिए। एंड इसी के साथ मेरे पास हो गए पूरे 11 जिम बैजेस, और इसके बाद मैं गया रॉक टनल में, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है। और आखिरकार मैं इसे बाहर निकला और मैं गया सेलेडॉन जिम में, जहां पर मैंने जिम लीडर एलिका को चैलेंज किया और हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। और यहां पर मेरे पास अल्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि यहां पर मेरे पास है माइक और उसके पास है ग्रास पोकेमॉन, तो मैंने काफी बढ़िया से उसके पोकेमॉन्स को हराया और मेरे पास हो गए पूरे 12 जिम बैजेस, बस 4 और। और उसके बाद मैं गया जानी को चैलेंज करने, और यहाँ पर कोगा होता, लेकिन कोई बात नहीं। वेल यहाँ पे काफी ज्यादा इजी है, एंड वंस अगेन मैंने हो उसे खेला है, क्योंकि इसमें एक अलग ही मजा है। वेल यहाँ पर लास्ट है वेनोमोथ, एंड ये गया, और इसके बाद मेरे पास हो गया 13 जिम बैजेस, इट मीन्स बस 3 और चाहिए। उसके बाद मैं गया ब्रॉक के पास, एंड यहाँ पर मेरे पास अल्ट्रा एडवांटेज प्रो है। वेल यहाँ पर मेरे पास किंग कोबरा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आखिर ब्रॉक ने फॉसिल पोकेमॉन कब कैच किए। वेल जो भी हो, यहाँ पर है रायहॉन और ये आखिरकार गया, और लास्ट है ऑनिक्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मेरे सामने नहीं। और आखिरकार मेरे पास हो गए 14 जिम बैजेस, यानी कि बस 2 और। और इसके बाद मैं गया सीफोम आइलैंड, यहाँ हमारी फाइट होती है ब्लेन से, जो कि एक फायर जिम लीडर है। वेल यहाँ पर काफी बढ़िया एडवांटेज है, लेकिन किंग कोबरा बर्न हो गया, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार मैंने कोशिश की और मैं जीत गया। और मेरे पास हो गए 15 जिम बैज एंड बस 1 और। उसके बाद मैं मिला ब्लू से, जिसने मुझे अपने जिम के अंदर बुलाया
लगाया है। फिर मैं इसके जिम में गया और ब्लू के साथ हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। वेल सच में ब्लू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एज ऑलवेज मेरे से ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये स्ट्रांग होगा भी कैसे नहीं, आखिर प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन जो है। वेल आखिरकार ये है ब्लू का लास्ट पोकेमॉन। एंड फाइनली मैंने टोटल 16 जिम बैजेस कलेक्ट कर लिए है, बट स्टिल कोई ऐसा है जो कि बाकी है। फिर मैं जाता हूँ प्रोफेसर ओक की लैब के अंदर और ये मुझे बताता है रेड के बारे में, जो कि मेरा इंतजार कर रहा है माउंट सिल्वर पे। तो मैं जाता हूँ माउंट सिल्वर और वहां जाने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ रेड को और बिना कुछ बोले हुए एक्सेप्ट करता है और हमारी फाइट स्टार्ट होती है। वेल रेड मेरा फेवरेट है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ रेड पे कौन से मूव काम करेंगे, किस पोकेमॉन पे कौन सा पोकेमॉन काम आएगा और कौन सा मूव मुझे यूज करना है। मैं अच्छे से सब कुछ जानता हूँ रेड को कैसे हराना है। लेकिन एज ऑलवेज इसका स्नोरलैक्स हमेशा की तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की और इसी के साथ पूरे सुपर इफेक्टिव मूव भी यूज किए जो कि रेड के पोकेमॉन पे मैं कर सकता था। वेल धीरे धीरे चीजें आसान होना शुरू हो गई एंड फाइनली रेड ने अपने फाइनल पोकेमॉन चार्जार्ड को भेजा एंड आई कैंट बिलीव मैंने रेड को फर्स्ट टाइम में ही डिफीट कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, बट स्टिल ये एंड नहीं है। अभी मैं जाता हूँ लेजेंडरी हंटिंग पे, जहां मेरे सामने आता है एंटे। ये एक लेजेंडरी बीस्ट है, तो इतनी आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आते, ये बार बार भाग जाते हैं या तो कैच करने पे कैच होते ही नहीं। लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की एंड फाइनली मैंने इसको कैच कर लिया एंड एंटे अब मेरे पास आ चुका है। उसके बाद अचानक से एक दिन यहाँ पे रायकू आ गया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट था। ये बार बार भाग रहा था, या तो गलती से मैंने ही इसको मार दिया। सो इसके बाद मैंने सेलेबी इवेंट को स्टार्ट किया एंड एक दिन एलेक्स फॉरेस्ट में अचानक से मैं मिला लाइरा से, लेकिन अचानक से सेलेबी ने कुछ किया और टाइम ट्रैवल करके हमें 3 साल पुराने टाइम में ले आया। हमें खुद नहीं पता सेलेबी ने ऐसा क्यों किया और क्यों चाहता है वो, लेकिन हमने देखा जीवानी को और मेरे राइवल को यानी उसके बेटे को, जो कि जीवानी यहां पर टीम रॉकेट को छोड़ रहा है और जा रहा है। लेकिन उसके बाद यहां पर सेलेबी ने वापस वही किया यानी कि टाइम ट्रैवल, और इस बार वो हमें लेके गया जीवानी के पास एंड इसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर सेलेबी ऐसा क्यों चाहता है कि मैं जीवानी से फाइट करूं। वेल जीवानी को हराने के बाद सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल हो गया एंड फाइनली एक दिन अचानक से रायकू मेरे सामने आया एंड लकीली मैंने इसे कैच कर लिया। उसके बाद मैं सो गया एंड नेक्स्ट डे मैं उठा और फिर मैं गया प्यूटर सिटी में इन अंकल के पास और मुझे मिला सिल्वर विंग। फिर मैं मिला स्टीवन से, जो कि लाठियाज की तलाश में है, और उसके बाद एक दिन अचानक से मेरे सामने लाठियाज भी आ गई। लेकिन लाठियाज भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, जो कि बार बार भाग जाती है। तो मैं गया म्यूटू के पास एंड बिलीव मी म्यूटू को कैच करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है इस गेम में, मैं बता ही नहीं सकता। मैं 2 बार गया और इससे हार के गया, लेकिन यार म्यूटू आता ही नहीं है। मैंने इस पे 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा बॉल यूज किए, म्यूटू को कैच करना एकदम से इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, लेकिन आखिरकार म्यूटू आ गया एंड म्यूटू को कैच करने के बाद मैं गया पावर प्लांट के बाहर जहां ज़ैपडॉस था और मेरा इंतजार कर रहा था। वेल फाइनली बैटल स्टार्ट हो गई एंड मैंने यूज किया फायर ब्लास्ट, लेकिन यहां पर ज़ैपडॉस उससे भी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा डैमेज दिया कम लेवल होने के बावजूद, लेकिन एक अल्ट्रा बॉल में आ भी गया। फिर मैं गया लुगिया के पास और इसको चैलेंज किया और उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। वेल लुगिया काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल मुझे चाहिए। मैंने काफी सारे अल्ट्रा बॉल यूज किए, लेकिन ये आता ही नहीं, लेकिन आखिरकार ये आ ही गया और मैंने लुगिया को कैच कर लिया। उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन टीम के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए गया। वेल फिर एक दिन अचानक से मोल्ट्रेस माउंट सिल्वर के अंदर आ जाता है एंड मैं जाके उसे भी कैच कर लिया। फिर मैं गया आर्टिकुनो के पास एंड जाके उसे भी कैच कर लिया, लेकिन अचानक से सुईकून एक दिन जोटो रीजन से भाग करके कांटो रीजन आ जाता है एंड मैंने अर्थ क्विक यूज किया एक और बार एंड जा करके उसे भी कैच कर लिया। उसके बाद काफी देर ढूंढने के बाद यहाँ पे लाठियाज आती है एंड मैं इसे भी सोच लिया इस बार कैच करके ही जाऊंगा एंड फाइनली यहाँ पे अल्ट्रा बॉल यूज किया और ये आ गई। लाठियाज को कैच करने के बाद नया इवेंट शुरू हुआ एंड ये इवेंट है एनिग्मा स्टोन का। तो ये स्टोन लेने के बाद मैं गया स्टीवन स्टोन के पास एंड इसके बदले मुझे मिला सोल ड्यू, जिससे मैं काफी आसानी से लाठियाज को अट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद हमारी फाइट शुरू हो गई। लेकिन ये काफी ज्यादा जिद्दी है, ऐसा क्यों? तो मैंने काफी सारे अल्ट्रा बॉल यूज किए, लेकिन लाठियाज है आता ही नहीं है। काफी बार कोशिश की एंड फाइनली ये आ गया। लाठियाज को कैच करने के बाद मैं वापस से न्यू इवेंट को स्टार्ट किया एंड इस बार ये इवेंट है आर्शियस इवेंट। वेल इस इवेंट में मेरे पोकेमॉन टीम में एक 100 लेवल का आर्शियस आ चुका है
जो कि एकदम से अनबिलीवेबल है। वेल इस आर्शस को लेके मैं गया रुइंस ऑफ एल्फ में, जहां पे मैन इसे देख के शॉक हो गया। उसके बाद इसने मुझे बताया ये सालों से इसकी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मैं मिला माउंट हाइकर से, जो कि बताया कि मैं सिंजो रुइंस में हूं। इसके बाद मैं इसके कैबिन के अंदर गया और इसके कैबिन के अंदर मुझे मिली सिंथिया, जो कि एकदम से शॉकिंग है। इसको पता लग गया अपने सेंस से कि मेरे पास आर्शस है। उसके बाद मैं और सिंथिया गए सिंजो रुइंस में और वहां जाने के बाद इसने मुझे बोला मिस्ट्री स्टेज पर सिर्फ आर्शस पोकेमोन आ सकता है। तो जैसा इसने बोला वैसा ही मैंने भी किया। फिर मैं और आर्शस जाते हैं मिस्ट्री स्टेज पर। बेसिकली एक तरीका है डालगा पालकिया गिराटीना लेने का, तो भाई मैं चूज करने वाला हूँ गिराटीना को। मैंने गिराटीना चूज किया और उसके बाद आर्शस अचानक से सेंटर पे गया और तभी बहुत सारे अननोन आए। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं खुद कुछ भी नहीं समझ पाया। व्हाट इज हैपनिंग मैन, ओ माय गॉड गाइस, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जान गया, आर्शस गॉड है एक रीजन के लिए, और वो क्या है हमने देख लिया। और तभी एक एग आया, हैच हुआ, और ये क्या हो सकता है, गेस व्हाट, ये क्या है, ओ माय गॉड, ये गिराटीना है और मेरी टीम में आ चुका है जो कि एक लेवल का है। अब स्टार्ट होता है पीचू इवेंट। इस इवेंट में पीचू लेने के बाद मैं गया एलेक्स फॉरेस्ट में और वहां पर एक और पीचू आता है। वेल आई गेस मिरर वाला शाइनी है, ये दोनों साथ में खेलते हैं। तभी एक अंकल आते हैं और बोलते हैं मैं इस पीचू को भी अपने साथ रख लूं। तो उसके बाद माउंट मून में मैं मिला सिल्वर से, जहां हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। वेल जब मैं सिल्वर से मिला था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब उसके पोकेमॉन स्ट्रांग हो चुके हैं। उसके बाद ड्रैगन डेन में मुझे वापस से सिल्वर मिला और वहां पर लैंस और क्लियर आते हैं, जहां पर ये डुओ फाइट के लिए बोलते हैं। तो हमारी फाइट स्टार्ट होती है। वेल इन दोनों के पास ही ड्रैगन पोकेमॉन होते हैं, तो मैंने भी ड्रैगन पोकेमॉन का यूज किया और काफी इजीली हमने इन्हें हरा दिया और हम जीत गए। फिर मुझे पता चला सिल्वर अपने चोरी किए हुए पोकेमॉन को प्रोफेसर एल्म को वापस लौटाने आया था। एंड इसके बाद मैं गया प्रोफेसर ओक के पास, जहां मुझे कांटो स्टार्टर चूज करने का मौका मिला है। वेल यहां बल्बसोर, स्क्वर्टल एंड चारमेंडर है, तो ऑफ कोर्स मैं चारमेंडर को लूंगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था मुझे चैंपियन को रिमैच बैटल में हराना होगा, लेकिन हाँ इस बार इसके लेवल काफी ज्यादा हाई है, बट स्टिल आई नो मुझे कैसे हराना है और कैसे मैनेज करना है। एंड आई बिकेम द चैंपियन ऑफ जोटो रीजन फॉर दिस सेकंड टाइम। सो अब स्टार्ट होता है ब्लू ऑर्ब इवेंट और इसे लेने के बाद मैं गया एम्बेडेड टावर में, जहां कायोगर होता है। वेल ये हर्ट गोल्ड है तो इसमें ग्राउडॉन नहीं होगा, मुझे कायोगर को ही कैच करना होगा। और आखिरकार कायोगर को कैच करने के बाद मैं गया पोकेमॉन सेंटर में और ये है मेरी पोकेमॉन टीम, जो कि मैंने इस कमाल की जर्नी में कैच किए। सो ये जर्नी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और इसके साथ आज की वीडियो को एक लाइक कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैंने और भी ऐसे गेम्स खेले हैं, जाओ उन्हें देखो और एंजॉय करो।